अमरेली गुजरात के काठियावाड़ रीजन में गल्फ ऑफ खंबात के किनारे बसा एक हिस्टोरिकल सिटी है, जो गुजरात की कैपिटल सिटी गांधीनगर से 235 किलोमीटर और न्यू दिल्ली से तकरीबन 988 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। पुराने समय में अमरेली एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन जब साल 1780 में इन रीजन पर मराठों ने कमान संभाली तब अमरेली का विकास हुआ और वहां से अमरेली एक छोटे से गांव से टाउन में तब्दील हो गया। इंडिया की आज़ादी के बाद अमरेली बॉम्बे स्टेट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में जब बॉम्बे स्टेट को डिवाइड किया गया तब अमरेली गुजरात का एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना और आज के समय में अमरेली को गुजरात में एजुकेशनल हब के तौर पर जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे भी इस वीडियो में जानते हैं कुछ कमाल की फैक्ट्स अमरेली के बारे में। नंबर वन, अमरेली में बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, इसलिए ही अमरेली डिस्ट्रिक्ट को गुजरात में एक इंडस्ट्रियल जोन के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि अमरेली को हैंडलूम प्रोडक्ट, डायमंड पॉलिशिंग, सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर क्राफ्टिंग, कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट और खादी के कपड़े बनाने के लिए कोर सेंटर माना जाता है, और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सीमेंट इंडस्ट्रीज और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज यहाँ की उभरती हुई इंडस्ट्रियल सेक्टर है। नंबर टू, कहा जाता है कि 534 ईस्वी के आसपास अमरेली अनुमंजी नाम का एक जगह हुआ करता था, उसके बाद अमरेली का नाम अमलिक पड़ा और फिर बाद में अमरेली को अमरावती भी कहा गया। संस्कृत लैंग्वेज में अमरेली का पूरा नाम अमरवल्ली हुआ करता था, जिसे आज हम अमरेली के नाम से जानते हैं। नंबर थ्री, अमरेली को मिनरल रिसोर्सेस के मामले में काफी रिच माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइम स्टोन, नेचुरल क्ले, सॉल्ट, जिप्सम और ब्लैक स्टोन जैसे मिनरल काफी ह्यूज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर लाइम स्टोन सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि अमरेली में लाइम स्टोन का बहुत ही बड़ा रिजर्व मौजूद है। यहाँ पर इतना ज्यादा लाइम स्टोन अवेलेबल होने के कारण अल्ट्राटेक सीमेंट्स, ACC सीमेंट और LNT जैसी कंपनियों की प्रोसेसिंग यूनिट्स मौजूद हैं। नंबर फोर, अमरेली का ज्यादातर क्षेत्र समतल इलाका है और बहुत ज्यादा काली दोमट मिट्टी इन इलाकों में पाई जाती है, जो काफी उपजाऊ जमीन होती है, जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए अधिक सुटेबल होती है। यही कारण है कि अमरेली में गेहूं, तिल, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, चना, सरसों और कॉटन सबसे अधिक उगाई जाती है। अमरेली को तिलहन उगाने के मामले में गुजरात के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट में से एक माना जाता है। यहाँ पर तिलहन की खेती बहुत ज्यादा होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी स्मॉल स्केल्स की ऑयल मिल्स अवेलेबल हैं। नंबर फाइव, अमरेली का पिपाव पोर्ट इंडिया का इकलौता प्राइवेट सेक्टर पोर्ट है और तीसरा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल ऑपरेटर है। इस पोर्ट पर कोल, स्टील क्वाइल्स, आयरन ओरे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सॉल्ट और सोडा एस जैसे कार्गो रेगुलर बेसिस पर हैंडल किया जाता है। यह पोर्ट लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो यूरोप, यूनाइटेड स्टेट और गल्फ के देशों को डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। पिपाव पोर्ट शंघाई और यूनाइटेड स्टेट से इंटरनेशनली लिंक्ड है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स, SR स्टील, गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियां इस पोर्ट के की कस्टमर हैं, जिनके कार्गो आए दिन इस पोर्ट पर लोडिंग और अनलोडिंग किए जाते हैं। नंबर सिक्स, जैसा कि अमरेली गुजरात का एक हिस्टोरिकल सिटी है, जिसके कारण यहां पर घूमने और देखने लायक कई ऐसी जगह मौजूद हैं, जैसे एक से बढ़कर एक टेम्पल, रिलीजियस प्लेसेस, म्यूजियम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिस्टोरिकल और एंशेंट आर्किटेक्चर और नए जमाने की बिल्डिंग्स। इनके अलावा अमरेली में कई सारी नेचुरल रिजर्व्स और नदियों पर डैम्स मौजूद हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता और शानदार टूरिस्ट स्पॉट प्रोवाइड करते हैं। अगर घूमने लायक टूरिस्ट अट्रैक्शंस जगहों की बात करें तो वह आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट में बताइए। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।